नमस्कार, गुनाह की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं रितेश मिश्र। वो इलाके का लोकप्रिय नेता था, उस पर लोगों को भरोसा था, लेकिन अपराधियों ने हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया उस शख्स को। दिखाएंगे आपको कैसे एक नेता की हत्या की कहानी लिखी गई। इसके साथ ही दिखाएंगे आपको कि कैसे एक स्वर्ण कारोबारी अपराधियों की टेढ़ी नजर से बाल बाल बचा। अलावा इसके गुनाह की सुर्खियां भी आपके सामने होंगी, तो देखते रहिए अपना खास शो पुरवैया क्राइम स्पेशल। उसने जेल से इलाके के सोना व्यवसायी की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से भी सौदा किया, लेकिन पुलिस ने इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जेल से साजिश, टारगेट एक ज्वेलर, जान का सौदा, मारने की दी गई सुपारी, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच सकी साजिश। ये सुनकर आप सोचेंगे कि ये किसी टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म की कहानी है, लेकिन ये हकीकत है। और इसे अंजाम देने की कोशिश की जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह। वो अमित सिंह जो 2015 में गया के जाने माने डॉक्टर पंकज कुमार के अपहरण के मामले में शेरघाटी जेल में बंद है। अमित सिंह ने औरंगाबाद के रफीगंज के स्वर्ण कारोबारी प्रकाश स्वर्णकार की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के गैंग से संपर्क साधा। सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ और एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए भी दिए गए। कुख्यात अपराधी असलम खान ने हत्या से पहले इलाके में रेकी के लिए किराए का मकान लिया। स्वर्ण कारोबारी की हर गतिविधि पर नजर रखी गई और हत्या के दिन असलम के साथ 4 और अपराधी जुड़े। लेकिन इससे पहले कि हत्या को अंजाम दिया जाता, इनकी काली करतूत की भनक पुलिस को लग गई। 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है रफीगंज से। ये लोग वहाँ पर एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या और लूटपाट के इरादे से इकट्ठा हुए थे। इनका मास्टरमाइंड एक शेरघाटी जेल में बंद है अमित सिंह, उसी के इशारे पर काम कर रहे थे और इनको पैसा देने की बात तय हुई थी, पैसा लेकर ये काम करने वाले थे। इनमें से जो मास्टरमाइंड जो जेल से ऑपरेट कर रहा है अमित सिंह, वो गया के जो डॉक्टर अपहरण वाला केस था उसी में शेरघाटी जेल में बंद है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल और 200 मिलीलीटर के अवैध शराब के 20 पाउच भी बरामद किए। पकड़े गए सारे अपराधी शातिर हैं और पुलिस को कई मामलों में इनकी तलाश थी। इनसे 2 हथियार और 5 गोली बरामद हुई है, उनके मोबाइल और एक गाड़ी भी सीज की गई है और कुछ शराब के पाउच भी इन्होंने रखे हुए थे अपनी गाड़ी में, शराब भी बरामद हुई है। इनमें से एक असलम खान है जो पहले दर्जनों कांड में जेल जा चुका है, इसका भाई भी उससे भी बड़ा अपराधी है, वो भी 20 बार जेल जा चुका है और ये कोठी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बर्फीगंज में किराए के मकान में रह रहा था, इसी ने सारा वहाँ लाइनर का काम किया, सब सेटिंग किया। जाहिर है पुलिस चौकस थी, जिसकी वजह से स्वर्ण कारोबारी की हत्या की साजिश का खात्मा वक्त रहते कर दिया गया। अब पुलिस 5 अपराधियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों स्वर्ण कारोबारी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। उधर सहरसा में अपराधियों ने दिन दहाड़े आरजेडी के नेता अनिल कुमार को मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के रिवॉल्वर से निकलती गोली से इलाका थर्रा जाता है। गोली से जिनका सीना छलनी हुआ उनकी गिनती इलाके के कद्दावर नेताओं में होती थी। वो इलाके में सबके चहेते थे, 2 बार सिहौल पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे और एक बार फिर वो यहीं से मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अपराधियों ने उनका काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दिया। अपराधियों ने
आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार को फोन करके घर से बुलाया और फिर नजदीक आने पर गोली बरसाकर फरार हो गए। गोली की मार से अनिल यादव बच नहीं सके। कॉन्टैक्ट करने के बाद पता चला कि धुखा चौक रहुआ और तुमसे धुखा चौक के बीच में जो है ये अपराधी ने उनको गोली चार गोली लगी है। जबकि उसको सहरसा ले गए, फिर उसके बाद सहरसा में भी यहाँ आए पता चला। और सख्ती से पंचायत चुनाव में आप प्रशासन जो है कार्रवाई करें और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ा चैलेंज दिया है। अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा गोली मारी गई। अभी एक आदमी को हिरासत में लिया गया, उसको पूछताछ करके हम लोग फिर इससे छानबीन करेंगे और जल्दी ही अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। एक और आदमी के बारे में बताया जा रहा है, उसको भी हम लोग अपने हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं और उससे पूछताछ करके सारे मामले का खुलासा करके अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। दावा है कि अपराधियों को जल्द दबोच लिया जाएगा, लेकिन एक महीने के अंदर इलाके के दो नेताओं की हत्या से पुलिसिया तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। उधर धनबाद में इन दिनों लोग बाइकर्स गैंग से परेशान हो चुके हैं। बाइकर्स गैंग आराम से वारदात को अंजाम देकर रफ चक्कर हो जा रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई तमाशा देख रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। धनबाद में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, खास तौर पर बाइकर्स गैंग के तांडव से लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। बाइकर्स गैंग आराम से वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। धनबाद के बैंक मोड़ के पास बाइकर्स गैंग ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी। इलाके के ही एक कारोबारी सुबोध मंडल एक निजी बैंक से 7 लाख रुपए निकालकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी पल्सर बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पीछे से सुबोध मंडल को धक्का दिया और रुपयों से भरा उनका बैग लेकर फरार हो गए। अच्छा, गन वगैरह भी दिखाया? नहीं, कुछ नहीं दिखाया, सीधे भाग गए। झोला पकड़ा, चेहरा ढका हुआ था या खुला था? दोनों का उम्र कुछ सारे के सारे जो नोट थे वो सब 500 रुपए वाले थे या 1000 के? 500 का नोट थे। पुलिस अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल सुराग ढूंढने का दावा कर रही है। सुबोध मंडल पैसा निकाल के HDFC बैंक से रोड पार करने रहे थे अपने कार्यालय की तरफ जाने के लिए, कि दो पल्सर सवार लड़के इनको धक्का मार दिया और धक्का मारने के बाद बैग छीन कर भाग गए। धनबाद में छिनतई की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा सवाल बड़ा होता जा रहा है कि आखिर वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हो रही। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। इधर दानापुर में एक बच्ची बाल विवाह से बच गई। एक एनजीओ की मदद से पुलिस ने नाबालिग बच्ची की शादी रुकवा दी। चाहते हैं कि पढ़े आगे। यानी अभी शादी नहीं हो? शादी हो, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि शादी होने के बाद पढ़ेंगे। तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? हमको लगता है यही कि हम भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके भी कुछ सपने थे, वो भी आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी उड़ान को अपनों का सहारा नहीं मिल रहा था। माँ बाप किसी भी कीमत पर उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाह रहे थे। लड़की नाबालिग थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे हालात में शादी गैर कानूनी होती, लेकिन इसके बावजूद परिवार वालों को जोखिम उठाने से परहेज नहीं था।
फुलवारी शरीफ के आबू लोदीपुर गांव के इस घर में शादी की पूरी तैयारी की जा रही थी। बारातियों के आवभगत के लिए पकवान बन रहे थे, लेकिन इस शादी की भनक चाइल्ड लाइन नाम के एक एनजीओ को लग गई, लिहाजा आनंद फानन में वहां पुलिस पहुंची और शादी रुकवा दी गई। बाल विवाह है, बाल है, मैंने बच्ची है, मैंने 18 एज के एज का कम है, इसलिए उसको रोकने का आदेश हुआ है कि बाल विवाह को मैंने प्रोत्साहन नहीं मिले उसको रोकने के लिए। लेकिन आज इनके घर बारात आने वाली थी। हाँ हाँ, वो तो है, उसके लिए समस्या तो है, लेकिन वो तो जान के करना चाहिए कि मैंने जो हम लोग के बालिक है तभी शादी करना चाहिए। अब उनको जानकारी थी या नहीं थी वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग कोई प्रूफ मांग रहे हैं तो भी नहीं दे पा रहे हैं, उसको मान के चल रहे हैं कि नाबालिग जब तक वेरिफिकेशन नहीं करते कैसे करना। चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से आया था, आज महिला हेल्पलाइन से आया कि आपके लोजीपुर बाल विवाह हो रही है, ठीक है, इसको रोका जाए, ठीक है, इसके लिए लेटर भी आ गया मेरे साथ ही मार्केट से। क्या लगता है सर कि बच्ची देखें आप जिस अंदाज से? वो नहीं, बालिक है, अनबालिक ही है, एट क्लास में पढ़ती है, ऐसे ही बालिक है। एक नाबालिग बालिका वधू बनने से बच गई, लेकिन माता पिता को नागवार गुजर गया। परिवार वालों ने गरीबी की आड़ में शादी करने की वजह को जायज ठहराने की कोशिश की। शादी करना चाहते हैं, गरीब आदमी है, हमको जुट नहीं रह रहा है पैसा कौड़ी, हॉस्टल में ले गई है सुधा दीदी का, तो सुधा दीदी कहा कि हम तुमको बच्चे के नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेगा सुधा दीदी? अच्छा। न उम्र हो रही है, तब जब जाना कि छोटा जात के काबुल है कि जरी दिक्कत न हो रहा है। लड़की का शादी करने का मन नहीं है, जबरदस्ती शादी कर रही है आप? जबरदस्ती कैसे शादी करते है के? कोई कह दे बाल बच्चा कि हमारा मैया बाबू शादी कर। लड़की मानने को तैयार नहीं थी, वो अपने माँ बाप से मुखालफत करने को तैयार थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? हमको लगता है यही कि हम भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जाहिर है देश में बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े कानून तो जरूर बना दिए गए, लेकिन जब तक बाल विवाह से होने वाले नुकसान को माता पिता नहीं समझ पाएंगे, तब तक इस कुप्रथा को रोकना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। इश्तिया खान, जी मीडिया, पटना। उधर झारखंड के गढ़वा में भी पुलिस ने एक शादी को रुकवा दिया। इस शादी में खास बात यह थी कि लड़की आदिवासी समाज से थी और लड़का यूपी के कानपुर का रहने वाला था। शादी की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शादी रुकवा दी और मामले की जांच कर रही है। लड़की के पिता का कहना है कि वो गरीब है और लड़की की सहमति के बाद उसकी शादी कर रहा था, लेकिन पुलिस इसे मानव तस्करी का मामला मान रही है। बेमेल शादी पर ऐतराज, लड़की बेचने का शक, पुलिस ने रोकी शादी। गढ़वा के देवी धाम मंदिर में शादी का माहौल था। दुल्हन स्थानीय आदिवासी परिवार की थी, जबकि दूल्हा कानपुर का रहने वाला था। सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अचानक इस शादी पर पुलिस ने लगा दिया ब्रेक। वजह, पुलिस को सूचना मिली कि बेचने की नीयत से लड़की की शादी कराई जा रही है। पैसे के लिए लड़की की शादी अधेड़ उम्र के दूल्हे के साथ की जा रही है, लिहाजा सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शादी को रोक दिया। लड़की की शादी कानपुर के किसी लड़के के साथ हो रही है, जो मामला कहीं मतलब ये यहाँ से ले भगा कर ले जाकर या फिर बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु तुरंत वहाँ पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया और जांच करवाया गया, तो पता चला कि दोनों परिवार के रजामंदी से शादी की जा रही है, लेकिन लड़के के पक्ष से कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं मिला। अभी शादी रोक दी गई है और उस मतलब लड़के पक्ष को प्रमाण पत्र मांगने की बात मतलब मांगने के लिए मंगवाने के लिए कहा गया है। ये सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि गरीबी की वजह से लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा ये शादी बगैर दहेज के हो रही है। लड़की भी शादी अपनी मर्जी से होने की बात कहती है। हमारा लड़की बोलने लगी जो नहीं, जो शादी जो भी है उधर हम कानपुर तरफ जो भी है तो हम करेंगे, इधर नहीं हम कर सकते हैं,
जैसे जब इतना ताया था बलाया था जोलगा कुदरुम का, तो मान लीजिए जब वो भी अच्छा लड़का नहीं था, मोटरसाइकिल मांग रहा था दान दहेज, तो हमने देने पाए तो वो नहीं अथी हुआ, तभी दान दहेज के लिए हम मान लीजिए जो वो आरा पड़ता है तो हम शादी कर दे रहे हैं। कानपुर शादी करना चाहती हो? करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन से शादी हो रहा है? नहीं लगता कि तुम्हारे मन से शादी हो रहा है? दूल्हे का कहना है कि इसी गांव की एक लड़की की शादी कानपुर में हुई, इसलिए वो यहां शादी करने आया था, लेकिन वो वाकई कानपुर का है, इसे लेकर उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। हमारे गांव में शादी बहना का तो उन लोग हमको यहां लाए थे, इसके वजह से मेरे शादी। आप कहां कराने वाले हुए? कानपुर। और कानपुर से गढ़वा कैसे पहुंच गए आप? इनकी शादी हुआ था, वो वहाँ लाए थे। तो कानपुर से जब आप आए हैं तो आपके पास कोई प्रमाण है कि आप किस गांव के रहने वाले हैं, किसके लड़के हैं, कहाँ आपका घर पड़ेगा, आपके पास कोई प्रमाण है यहाँ पर? प्रमाण तो नहीं है सर, का नहीं लाया हमारा, जब आपके घर पे रखा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच हर एंगल से कर रही है ताकि सच सामने आ सके। चंदन कुमार, जी मीडिया, गढ़वा।